हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अमेजिंग टिप्स। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे कच्चे केले की बहुत ही यूनिक और स्वादिष्ट रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटा और टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इसे आप बहुत ही कम समय में बनाकर खा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कम टाइम लगता है, 10 मिनट के अंदर ये बनकर बिल्कुल ही रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इसके लिए फ्रेंड्स, मैंने कच्चे केले को छिलका निकाल कर और इस तरीके से दो पार्ट में मैंने कट करके रख लिया है। ये बिल्कुल पतला वाला केला है, मोटा वाला ज़्यादा नहीं है। तो इस टाइप के जो केले होते हैं उसका ये जो रेसिपी है बहुत ही अच्छा लगता है। मसाले में मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लाल मिर्च, लहसुन और हल्दी को पीस कर रेडी कर लिया और इसमें मैंने नमक भी टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स करके रेडी कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब कढ़ाई गर्म हो गया है तो इसमें हम तेल को डाल देंगे और तेल गर्म हो जाएगा तो हम इसे फैला देंगे। फिर केले के हम एक एक पीसेज को लेंगे और इस मसाले में डीप करेंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे। तो एक एक पीसेज को हम डीप करेंगे मसाले में और ऐसे ही करके हम डालते जाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी तेल के अंदर आएगा हम इतना डालेंगे। तो हम इसको डीप फ्राई नहीं करेंगे, बिल्कुल हम इसे तलेंगे, हमें डीप फ्राई नहीं करना है। गैस के फ्लेम को मीडियम रखेंगे और थोड़ा देर के लिए मैंने ढक दिया था इसे। तो बिल्कुल ही करीब 5 मिनट के अंदर ये पक जाता है केला, तो नीचे से सिक गया है तो हम इसे पलट देंगे और गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम इसे नहीं तलेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो बिल्कुल हम केयरफुली इसे पलट देंगे। तो जो ये केले हैं फ्रेंड्स, तो इस केले का जो ये रेसिपी है बहुत ही अच्छा बनता है। जो मोटा केला रहता है उसका ये नहीं अच्छा लगता है ज़्यादा, ये बिल्कुल ही सॉफ्ट सॉफ्ट है तो बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट हो जाता है, नरम हो जाता है। तो फिर हम थोड़ा सा तेल ऊपर से हिला देंगे और इस तरीके से हम इसे बिल्कुल अच्छे से तल लेंगे पलट पलट कर, तभी हमारा जो केला है बिल्कुल अच्छे तरीके से तल चुका है। तो हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से जो बाकी के केले हैं हम उसे भी तल लेंगे। तो मैंने सभी केले को तल कर निकाल लिया फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिखाई दे रहा है और खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप इस केले की रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही कम टाइम में आपको बन जाएगा और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी से अगर आपको भूख लगी हो तो आप इस रेसिपी को बनाकर खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ऐसे न्यू रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।